दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड और HFCL को हम आज साथ में डिस्कस करने वाले। ट्राइडेंट लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको हम डिस्कस करेंगे। क्या इस समय ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे ट्राइडेंट लिमिटेड के इतिहास को देखें तो पिछले 2 साल में इसने लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। एक तरह से ये मल्टी बैगर साबित हुआ है। 3-4 रुपीज का जो स्टॉक था वो 70 तक चला गया था, लेकिन बहुत समय से स्टॉक लगभग ऊपर के लेवल से आधी कीमत में आपको मिल रहा है। क्या इसमें एंट्री करनी चाहिए? वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने कल अच्छी खासी तेज़ी भी देखी है। क्या ये स्टॉक अब यहाँ से दौड़ने को तैयार हो चुका है? क्या Q2 का रिजल्ट बेहतर रह सकता है? तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो HFCL लिमिटेड से भी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। HFCL लिमिटेड कुछ बड़ा करने जा रही है। आने वाले समय में HFCL लिमिटेड के जितने भी निवेशक हैं उनको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकता है। वैसे स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो एक समय ये स्टॉक 2000 के ऊपर ट्रेड करता था, अभी ये स्टॉक आपको 100 से भी नीचे मिल रहा है। तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो 36.90 पर क्लोजिंग थी कल, जहां पे 2.2% की हमने तेजी देखी है। यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 52 वीक का लो इसका 30 का है और 70 इसका 52 वीक का ही है। फिलहाल स्टॉक 36 पर, यानी ऊपर के लेवल से आधी कीमत पे आपको मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी ने कहा है कि वो डिबेंचर बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करने वाले हैं उन डिबेंचर होल्डर्स को जिनकी यहाँ पे डेट निकल के आ चुकी है, यानी जो रिकॉर्ड डेट है 14 अक्टूबर, वहाँ पे रिकॉर्ड डेट है और उस रिकॉर्ड डेट को उनको जो भी उनका इंटरेस्ट है वो पे किया जाएगा। तो ये सामने रिकॉर्ड डेट निकल के आ चुकी है और जो डिबेंचर बॉन्ड्स धारक हैं उनको उसका इंटरेस्ट मिलने वाला है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा MD और चेयरमैन थे राजेंद्र गुप्ता, जो फिलहाल अपनी पोस्ट से रिजाइन कर चुके हैं, लेकिन अभी भी वो चेयरमैन एमिरेट्स है, यानी वो एक तरह से सलाहकार के रूप में कंपनी में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन किया, लेकिन फिर भी उनका पूरा का पूरा फोकस कंपनी के ऊपर है, उसके कारोबार को आगे बढ़ाने में है। यहाँ पे राजेंद्र गुप्ता की बात करें तो राजेंद्र गुप्ता पंजाब के सबसे अमीर व्यक्तियों में नंबर 1 बन के निकले हैं। ये जो IIFL वेल्थ हरुण इंडिया रिच लिस्ट है, ये 2022 इस लिस्ट के हिसाब से पंजाब के सबसे बड़े अमीर व्यक्तियों में नंबर 1 है यहाँ पे आपको राजेंद्र गुप्ता। और पंजाब की रैंक देखें तो राज्य की जो 20 स्टेट है अलग अलग है, उसमें से 13वां नंबर पंजाब का निकल के आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि राजेंद्र गुप्ता की टोटल जो वेल्थ है वो 13,800 करोड़ रुपीज़ की है और इस वेल्थ के साथ में वो पंजाब के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार जो इनका बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर रहा है उसका नतीजा है कि आज राजेंद्र गुप्ता पंजाब के सबसे अमीर व्यक्तियों में से नंबर 1 बने हैं। और ऐसे ही इनका बिजनेस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ये एक तरह से सबूत है कि ट्राइडेंट लिमिटेड बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और इसी वजह से आज वो पंजाब के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। पूरी कंट्री के अंदर बात करें राजेंद्र गुप्ता की तो उनकी 127वीं रैंक है, जो काफ़ी बड़ी बात है। इसके बाद में जो पंजाब की जो सेकंड नंबर की रैंक है वो वर्धमान टेक्सटाइल के SP ओसवाल की रैंक है, जिनके पास टोटल 4,600 करोड़ रुपीज़ की वेल्थ है और पूरे कंट्रीज़ के अंदर उनकी 349 की रैंक है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा अचीवमेंट किया है राजेंद्र गुप्ता ने और अपनी मेहनत के बल पर यहाँ पर पहुँचे हैं वो। कंपनी को भी उन्होंने बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है। अब यहाँ पे mytrident.com के शुरुआत भी हो चुके हैं, यानी ऑनलाइन भी उनके प्रोडक्ट बिकने लगे हैं और विश्व में भी उनका अच्छा खासा नाम है। कंपनी काफ़ी मजबूती से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। अब ट्राइडेंट की बात करें तो यहाँ पे इसका रिटर्न देख सकते हैं, 5 साल के हिसाब से 268% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया, 3 ईयर के हिसाब से 543% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, 1 ईयर के हिसाब से इसने 18.96% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, 3 मंथ के हिसाब से जरूर यहाँ पे 4% की गिरावट है और 1 मंथ के हिसाब से लगभग 7% स्टॉक डाउन है, 1 डे के हिसाब से 1.66% की तेजी है। तो कुल मिला के इसमें जो गिरावट है वो लगभग 7% की है, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से तेज़ी बन सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जो 31 अगस्त के लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से कोटक निफ्टी अल्पा ने यहाँ पे 3.69 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 4.38% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया ETF ने यहाँ पे 1.97 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.25% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप ने 1.56 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.25% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 ने 1.26 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.25% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रो निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.38 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.25% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 0.35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.32% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.25% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.25% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रो निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.25% की होल्डिंग ली है। और मीरे एसेट
मैन्युफैक्चरिंग ने 0.17 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.23% के होल्डिंग है। तो आप देख सकते हो इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है और इसीलिए ये कंपनी काफ़ी मजबूत है। वैसे ये स्मॉल कैप से मिड कैप में भी ट्रांसफर हो चुकी है और जल्दी यहाँ पे कंपनी का कारोबार और तेज़ी से बढ़ेगा। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको निवेश करना चाहिए। यहाँ पे इसकी जो रेटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की है। बाय डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। प्राइस स्ट्रेंथ जरूर इसकी कमजोर है, 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। और ग्रुप रैंक में भी ये 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। कुल मिला के यहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए, आने वाले समय डेफिनेटली आपको मालामाल कर देगा। नजरिया अगर आपका 5 साल का है तो ये 500 का टारगेट आराम से दिखा सकता है। यहाँ पे हम HFCL की तरफ चले तो 74.50 पर स्टॉक था, जहाँ पे हमने 0.88% की तेजी देखी है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 51 इसका 52 वीक का लो है और 101 52 वीक का ही है। फिलहाल स्टॉक 74 के आसपास है, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे HFCL की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी, उन्होंने 5G लैब एज सर्विस शुरू कर दी है। ये जो 5G लैब सर्विस है, यह टेक्नोलॉजी जो है यह टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए, नेटवर्क इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स के लिए, इसके अलावा सिस्टम इंटीग्रेटर्स और IoT डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक तरह से ये बहुत बड़ा काम करने वाली है। आप देख सकते हो इसकी परफॉर्मेंस, ये 5G के लिए एक बहुत बड़ा एक तरह से देखें तो एक अचीवमेंट है। 5G के लिए लगातार कंपनी की तरफ से जो नई शुरुआत की जा रही है उसमें आप देख सकते हो कि 5G लैब एज सर्विस इन्होंने लॉन्च कर दी है। और यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी लगातार 5G के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है और इसी के दम पे यह कंपनी आने वाले समय में कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5G के लिए इन्होंने 5G लैब सर्विस लॉन्च कर दी है और ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाली सर्विस है। 5G लैब एज सर्विस की बात करें तो यह 5G के लिए एक तरह से देखें तो उसकी आत्मा के बराबर है, जिसमें इसकी ये सर्विस 5G को आगे लेके जाने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली है। और HFCL 5G के लिए काफ़ी कुछ कर रही है और आने वाले समय और भी बहुत सारे इक्विपमेंट कंपनी बनाने वाली है। तो आप देख सकते हो कि ये आखिरी मौका है HFCL में निवेश करने का, आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी बनने वाली है। वैसे हमने ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस भी किया है, इन्होंने 6 Wi-Fi सर्विस भी लॉन्च की है। तो Wi-Fi के लिए भी कंपनी लगातार नए कदम उठा रही है, साथ में 5G सर्विस के लिए भी कंपनी काफ़ी कुछ कर रही है। ऐसे में HFCL को आपको निवेश करके रख लेना चाहिए। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एरिक्सन कंपनी की तरफ से जो कंट्री हेड है मार्टिलो, उनकी तरफ से कहा गया कि इंडिया की जो 5G सर्विस है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे शानदार है। यानी इसकी जो रैंक है वर्ल्ड की बड़ी कंट्रीज़ के साथ में आप इसको जोड़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी इसकी स्पीड है और इसकी जो सर्विस है काफ़ी यूनिक है, क्योंकि ये ORN के टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड सर्विस है 5G की, तो ये काफ़ी यूनिक है। तो कुल मिला के एक तरह से देखिए 5G हमारी इंडिया की बहुत ही शानदार रहने वाली है और इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी रहने वाली है। दूसरी तरफ देखें तो आज से जियो ने 5G सर्विस लॉन्च कर दी है, 4 सिटी के अंदर आज से उनकी सर्विस शुरू हो चुकी है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और वाराणसी शामिल है। और इस सिटी में अगर आप रहते हो तो आपको 5G का फ़ायदा आज से मिल जाएगा। कंपनी फिलहाल ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, यानी जो 4G कस्टमर है उनको ये 5G सर्विस बिल्कुल मुफ्त मिलने वाली है। और जल्दी इसके प्लान लॉन्च किए जाएंगे, जब प्लान लॉन्च होंगे उसके बाद में इसके पैसे लिए जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए इसको आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और जल्दी पूरे इंडिया के सभी स्टेट के अंदर ये जो सुविधा है मिलनी शुरू हो जाएगी। साथ में एयरटेल की तरफ से भी 8 सिटी के अंदर 5G लॉन्च करने की घोषणा कर दी गई है और जल्दी ही इन 8 सिटीज़ में सर्विस शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के ये जो समय है ये काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण है इस समय, और इस समय आपको HFCL में बिल्कुल निवेश कर लेना चाहिए। टेक्नोलॉजी के दम पे HFCL बहुत आगे जाने वाला है। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 206% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 325% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, 1 ईयर के हिसाब से 1.78% डाउन है, 3 मंथ के हिसाब से 35% पॉजिटिव रिटर्न है और 1 मंथ के हिसाब से लगभग 2% की गिरावट है, 1 डे के हिसाब से 0.88% की पॉजिटिव रिटर्न दिया। कुल मिला के स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है और आपको निवेश करना चाहिए। नजरिया कम से कम 5 साल का लेके चले तो ये मुझे लगता है कि आने वाले समय 1000 फिर से टच कर सकता है। तो ये आपको निवेश के लिए दोनों स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं और इसमें आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके चलना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक